सर हमें बोला गया था, सर हम शनिवार को आए थे, हमें उसके पहले बहुत प्रोटेस्ट किए हैं सर, हम शनिवार को आए थे शनिवार चेयरमैन मैडम से बात हुई है, बोल रहे हैं कि आप मंगलवार को आओ, हम मंगलवार को मैम श्रीनगर गए हैं, मंगलवार को आओ मैम श्रीनगर गए चेयरमैन मैम, उधर बात करेंगे, तो बोल रहे हैं अब आज हम आए, हमको देखे बोर्ड के गेट भी बंद कर दिए, बोल रहे हैं 15 दिन के बाद आओ, सर हमें धोखे पे धोखा दे रहे हैं सर, बोर्ड वाले को बोलने की तमीज़ भी नहीं है सर, इतनी बदतमीजी से बात करें सर, ऊपर से हमने 11th में एडमिशन भी ले लिया सर, हमने फीसें भी दे दी हैं सर, अब यूनिट फर्स्ट भी आ रहे हैं, तो अब बोल रहे हैं 10th के पेपर दो, सर हमने 10th के पेपर नहीं देने, हमें 11th क्लास में सभी बच्चे प्रमोट चाहिए जो फेल किए हैं सर, हमारे 2 पेपर हुए, इन्होंने 4 पेपर फेल कर दिए हैं, कई बच्चों के 5 के 5 फेल कर दिए हैं सर, क्या जो लाइक बच्चे सर उनको परसेंटेज दे दिए हैं, तो जो लाइक बच्चे सर उनको बिल्कुल जीरो कर दिया है, तो सर हमारी यही अपील है कि सभी बच्चे पास कर दिए जाए और 11th में प्रमोट कर दिए जाए। क्या कहना चाहूँगी कि सभी बच्चों का यही कहना है कि ये हमें 11th में प्रमोट कर दे, 17 को हमारी स्कूल भी लग जाने, 11th की क्लासेस बैठ जानी है स्कूल में, ऐसे तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस रोज चलती हैं, 17 से हमारे स्कूल लग जाएंगे, 17 अगस्त से हमारे पेपर भी 11th, सभी बच्चों का और पेरेंट्स का यही कहना है कि वो हमें 11th में प्रमोट करते, हम पेपर नहीं देंगे 10th के।